खोया प्यार वापस पाने के तीन आसान तरीके। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कई लोगों का ये सवाल रहता है कि ब्रेकअप को पैचअप में कैसे बदलें, कैसे जिनसे लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, रिश्ता टूट गया है, उनसे वापस जोड़ा जाए। तो आज के वीडियो में उसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए, आपको अगर कोई दिक्कत है तो कोई सलाहकार आपको अपॉइंट करना चाहिए। अपॉइंट करने से क्या मतलब है? ऐसा जब भी कुछ होता है तब हम अक्सर हम जिनसे अपनी बात करते हैं वो जो डिसीजन देते हैं उसी का हम इनडायरेक्टली मान लेते हैं। आपको ऐसे वक्त में जो लोग सच बोलते हो, जो लोग सिर्फ अच्छा नहीं या आपके स्वार्थ का नहीं सच में सच बोलते हो, ऐसे लोगों को आपको मिलना चाहिए। ऐसे लोग आपको सही सलाह देंगे और वही सच के आधार पे आप कुछ सोच पाएंगे। तो वो आपका दोस्त में से कोई सच्चा दोस्त हो सकता है, कोई रिलेटिव में सच्चा हो सकता है, या कोई आपके फैमिली में ही कोई, आपके पेरेंट्स में कोई, या भाई बहन में कोई, कोई भी, लेकिन जो सच्चा हो, जो मुंह पे बोले लेकिन कड़वी लगे लेकिन सच्ची बात। सबसे पहले तो ये काम कर दे। दूसरा काम आपको करना है, उनको लेटर लिखना है। हाँ, आपको हाथ से लेटर लिखना है। कंडीशन ये है कि आपको उसमें प्यार जताना है और ये जो घटना हुई उस पे आपको दुख है, ऐसा लेटर में लिखना है। आप फिर चाहे जो शब्द लिखे, आप अपने सलाहकार से भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना है कि आपका प्यार अभी बरकरार है और आप ये जो हुआ उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो दो चीज़ों का बार बार जिक्र लेटर में करना है और लेटर में लिखने के बाद उनको कह देना है, वापस आना चाहते तो आ जाइए, मैं आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ बात ख़त्म। तीसरी जो टिप है, फिर आप थोड़ी राह देखते हैं और कुछ नहीं होता तो फिर कह दीजिए, मैं आपको कभी भी कॉल नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। यहाँ पे आपको रोते हुए कहना है। अगर ऐसा कर दिया तो हो सकता है कि उनके दिल में वो एहसास, वो दुख, वो दया जाग जाए और हो सकता है वो वापस आ जाए। तो इस तरह से कुछ काम करने तब जाके ज़्यादा कंडीशन बनती है कि खोया प्यार वापस आएगा। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GFBF राजा मजूम लैला, जो भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर, लिव बेटर।